अंदर रूम से लेकर आया हमारे रूम से प्रेग्नेंट है शर्मा गई वो तो वी आर इन अ बायोडाइवर्सिटी पार्क इन दिल्ली ओनली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एज यू कैन सी यहाँ पर थोड़ी मंकीज की पॉपुलेशन ज्यादा है रीसस मकैक की तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है हाइबरनेशन से बाहर आ गए हैं सारे सांप और रेप्टाइल्स आने लगे हैं तो इसलिए वी आर गेटिंग बहुत सारे कॉल्स तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं दिल्ली के अराउंड रहते हैं और काफी जगह रहते हैं तो कहीं भी तो यू कैन गिव अस अ कॉल अगर आपको कोई भी वाइल्ड एनिमल दिखता है हम खुद आने की कोशिश करेंगे या फिर हम कोऑर्डिनेट करके वील ट्राई टू गेट द एनिमल रेस्क्यूड स्पेशली वाइल्ड लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ यहाँ पर तो इसलिए वी हैव सम स्नेक्स आज तो आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि सांप काट ले तो मर जाते हैं और ऐसा ऐसा होता है तो ये जो सांप है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एंड आई एम गोना मेक यू मीट द होल टीम ऑल्सो तो यस लेट्स गो यू कैन सी इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस and you always have snake stick with you मैं बाइट करना भी नहीं आता ब्लाइंड मार रहा चले जाना है तुम्हें घर पे So we have the professionals with us. We have Harmeek sir. Hello. We have other people as well. Yes. Dr. A.K. Singh. Yes, Dr. A.K. Singh, our seniors. And we are having many snakes with us. और जो कि हमने आज rescue की हैं, we also have Oksana with us. She is taking another wolf snake out. And we have one rat snake also. हम जब भी कोई स्नेक या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल हम रेस्क्यू करते हैं तो उसको कम से कम हमें टच करना चाहिए अगर हम उसको ज्यादा टच करेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रेस में हो सकता है तो कोशिश कीजिए कि उसको हाथ लगाने की जरूरत ही ना पड़े ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है हु गेट क्रीप्ड आउट बाय स्नेक बाइट्स जब भी वो सांप देखते हैं तो उनके बुरे हाल हो जाते हैं उनको बहुत बुरा लगता है जब भी हम क्रॉस आते हैं किसी सांप के तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम देखेंगे यहाँ पर नॉन वेनमस सांप जो कि जहरीले नहीं हैं उनके बाइट्स और जो वेनमस सांप हैं उनके बाइट्स उनमें क्या डिफरेंस है आप ये देख सकते हैं और एक हेड शेप से भी थोड़ा सा अंदाज़ा होता है और कुछ स्पीशीज़ है उनके अलावा और कोई और कुछ स्पीशीज़ हैं उनके अलावा कोई सांप नहीं मिल सकता तो अब जहां भी रहते हैं वहां की एक एक आइडेंटिफिकेशन लिस्ट आप नेट से निकाल सकते हैं उसके बाद में यू कैन सी जो जहरीले सांप हैं उनके वो कैसे दिखते हैं वो क्या होते हैं आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है अगर आप रेस्क्यू करना चाह रहे हैं या फिर रेस्क्यूअर बनना चाह रहे हैं तो ये एक प्राइमरी स्टडी है जो कि आपको पता होनी चाहिए एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू कैच एनी अगर आपको मिलता है तो उसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी इतनी कोई मत खिंचवाइए अगर आपको खिंचवानी भी है तो उसको बिल्कुल स्टाइल से मत खिंचवाइए काफ़ी सारे रेस्क्यूअर्स हैं जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं इस चक्कर में क्योंकि उनको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है विद द कोबरा एंड ऑल तो प्लीज़ जस्ट टेक केयर जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे से प्रोफेशनल्स हैं उनको देखकर सीखिए एंड देर आर मेनी गुड पीपल लाइक अभिरूप कदम एंड ऑल अदर रेस्क्यूअर्स ऑल्सो उनको देख के आप सीख सकते हैं सो या हियर इट गोज यू कैन सी द डिफरेंस इसका कलर मॉर्फिज्म थोड़ा सा है वेरी ब्यूटिफुल स्नेक्स ये पाइपलाइंस में रहते हैं एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हाट्स आई एंड अनदर वन अरे वाह यू गॉट अ गिफ्ट वेरी नाइस एंड वी आर रिलीजिंग हिम यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर है अभी बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये ही विल गो आराम से
परफेक्ट परफेक्ट अच्छा ना लीव हिम ओवर हियर हाँ तो जाओ ना यहाँ पर देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस वेरी गुड हाँ चल ठीक जी सर देयर इज वन मोर वो ही इज द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल ये मेरे को मेरे पे पता नहीं क्यों करते हैं क्या मजे आते हैं तो वी पुट द न्यूज़पेपर इनसाइड ताकि जो स्नेक है वो स्ट्रेस में ना रहे और उसके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाए क्या हाल है करते उल्टा करते हैं यहाँ पर नहीं पर यहाँ पे कर देते हैं सोच प्रॉपर मैच्योर्ड फीमेल रेस्क्यू दिस स्नेक आज सुबह ही इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेसिमेन हाइबरनेशन से बहुत ज्यादा अब बाहर आने लगे हैं सारे साथ आई विल शो यू लुक एट दिस स्पेसिमेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रैट स्नेक हम जितना ज्यादा टच करें कभी भी किसी सांप को उतना ज्यादा अच्छा होता है यू डोंट हैव टू हैंडल देम सो मच ये बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आई एम डूइंग दिस क्लोजर क्लोजर ऑन द स्नेक इसकी पहचान होती है इसके फेस पर कुछ लाइंस होती हैं ब्लैक लाइंस दैट यू कैन सी नाउ यू कैन सी और ये जहरीले नहीं होते अगर ये काट भी लेते हैं तब भी कुछ नहीं होता बस आप ठंडे पानी से यू कैन वॉश योर हैंड्स और ये अगर खेतों के आसपास मिलते हैं तो इसका बहुत अच्छा साइन होता है क्योंकि दे वर्क एज अ पेस्ट कंट्रोल ये चूहे वूहे को खा लेते हैं इसलिए हम इनको रैट स्नेक बोलते हैं हिंदी में हम इसको धमन बोलते हैं घोड़ा पछाड़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज भागता है और वी ऑल्सो हैव द होल टीम विद अस और बोतलें के बजा रहे हो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्नेक लुक एट दिस चलो आप अब हम इसको छोड़ते हैं लेट्स सी ऊपर जाता है अरे रे 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 यू सी